कि 29 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली जन आक्रोश रैली का निमंत्रण देने भिवानी पहुंची कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान। भिवानी पहुंचने पर सुमित्रा चौहान ने जिला प्रधान प्रेमवती गोयत के आवास पर महिलाओं की बैठक ली और बताया कि दिल्ली की जन आक्रोश रैली में हरियाणा से 15,000 और भिवानी से 1,000 महिलाएं पहुंचेंगी और भाजपा सरकार के ताबूत में कील का काम करेंगी। मीडिया से रूबरू होते हुए सुमित्रा चौहान ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 4 साल पहले किसानों, जवानों, महिलाओं व व्यापारियों को गुमराह कर सत्ता तो पा ली, लेकिन आज सरकार से हर वर्ग दुखी होकर आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ते अपराध, महंगाई व बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने हरियाणा से नारा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिलाया, लेकिन उस नारे को अपराधी बचाओ और अपराधियों को संरक्षण दो में बदल दिया। चौहान ने आरोप लगाया कि 4 साल में महिलाओं पर अत्याचार व उत्पीड़न में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है कि जिस तरीके से भारत में 4 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के नौजवानों को गुमराह किया था, जवानों को गुमराह किया था, किसानों को गुमराह किया था, हमारे बच्चों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। आज हर वर्ग आंदोलित है, चाहे उसमें महिलाएं आंदोलित हों, चाहे उसमें छात्र आंदोलित हों, चाहे उसमें छोटे दुकानदार आंदोलित हों, चाहे उसमें किसान आंदोलित हों, चाहे उसमें कोई भी हो, एक भी वर्ग आज ऐसा नहीं बचा है जो आंदोलित ना हो। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई सबसे ठगा महसूस करता है तो वो आदि आबादी है, वो महिलाएं हैं। क्योंकि अगर महंगाई की मार पड़ती है तो सबसे पहले महिलाओं पर पड़ती है। जब किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिलता वो मार भी सबसे ज़्यादा महिलाओं पर पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात उन सबसे है आज कि महिला का आज एक इस लेवल पर आके खड़ी हो गई है कि जब हरियाणा रेप की राजधानी बन चुका है, हमें शर्म आती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 वर्ष पहले हरियाणा की धरती पर आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जिसकी चाल चरित्र दोहरा है, दोगली नीति है, कि हरियाणा में नारा तो दे दिया, हरियाणा की बेटियां आपने कितनी बचाई, कितनी बेटियां पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय खोले, कितने स्कूल खोले, लेकिन NCERB के रिकॉर्ड के आधार पर भी आज हरियाणा में महिलाओं पर गैंग रेप, बलात्कार, हत्या की 4 गुना से ज्यादा घटनाएं बढ़ी हैं। हिंद एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।